सोलर एनर्जी होती क्या है आखिरकार? ठीक है, सोलर एनर्जी ऑब्टेन बाय सन रेडिएशन। सन रेडिएशन मतलब सूरज का जो प्रकाश आ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? सन रेडिएशन बोलते हैं। सन रेडिएशन ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सूरज का प्रकाश ही नहीं बल्कि कई सारे अल्फा बीटा एक्सरे कहते हैं अल्ट्रावायलेट रे, कई सारी कहते हैं अनवांटेड रे होती हैं जो उसके साथ आ रही होती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन कहते हैं। कहते हैं सोलर एनर्जी ऑब्टेन बाई सन रेडिएशन ऑन अर्थ। ठीक है, ये द मदर ऑफ ऑल टाइप ऑफ कॉन्वेंशनल एंड नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी, मतलब सभी टाइप के एनर्जी सोर्सों की क्या है? एक तरीके की माता है। ठीक है, ओनली न्यूक्लियर एनर्जी इज एक्सेप्शनल, न्यूक्लियर एनर्जी को छोड़ के इसमें एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं पार्टिकल एटम किसी पदार्थ के थ्रू एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यूरेनियम से एनर्जी बनाई जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की सोलर एनर्जी का यूज नहीं होता है ना। ठीक है, सोलर एनर्जी इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम सन, यह मतलब एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, जो सन से प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें एक्स रे हैं ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे हैं आदि आदि हैं। दिस रेडिएशन इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, मतलब जो रेडिएशन जो आ रहा है इसे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं? थर्मल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय एप्लीकेट टेक्नोलॉजी। मतलब जो सूरज से हमारा रेडिएशन आ रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, जिसे हम अपनी उपस्थित टेक्नोलॉजी का यूज करके इसे थर्मल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन सोलर रेडिएशन देर आर टू टाइप ऑफ रेडिएशन, हमारे सोलर रेडिएशन कितने हैं? दो टाइप का रेडिएशन है, आयोनाइज्ड रेडिएशन सच एज एक्सरे। आयोनाइज्ड रेडिएशन मतलब इसमें क्या होगा, एक्सरे एंड गामा रेज आएंगी। ठीक है, विच आर हार्मफुल, ये जो रे हैं हार्मफुल हैं, एंड अदर इज नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन सच एज अल्ट्रावायलेट रे और विजिबल रे एंड इंफ्रारेड रे। ठीक है, ये तीन रे हैं और ये क्या है, आयोनाइज क्या है, ये हार्मफुल है, जबकि ये इतनी हार्मफुल नहीं है। ओनली नॉन आयोनाइज्ड रे रीच ऑन द अर्थ, केवल जो नॉन आयोनाइज्ड रे हैं जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड जो है वही धरती तक पहुंचती हैं, और बाकी एक्सरे एंड गामा रे पृथ्वी पर उपस्थित 22 किलोमीटर के धरती के क्या कहते हैं कहाँ पे, धरती से ऊपर 22 किलोमीटर उपस्थित ओजोन लेयर क्या करती है, उन्हें रोक लेती है इन किरणों को आने के लिए। ठीक है, तो ओनली नॉन आयोनाइज्ड रे रीच ऑन दी अर्थ, सोलर रेडिएशन विल डायरेक्टली रीच ऑन दी अर्थ इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडिएशन, मतलब वह रेडिएशन जो पृथ्वी पर डायरेक्ट मतलब इधर उधर नहीं विस्तृत होगा, सीधा आएगा एक लाइन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रेडिएशन। एंड दैट रेडिएशन विच रीच ऑन दी अर्थ आफ्टर स्क्रैटिंग, स्क्रैटिंग मतलब अध्रुवित, अध्रुवित इज कॉल्ड डिफ्यूज रेडिएशन। एक होता है ध्रुवित, एक होता है अध्रुवित, मतलब ध्रुवित क्या होता है, सीधे एक डायरेक्शन में चलता है, और अध्रुवित क्या होता है, डिफरेंट टाइप में क्या कहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, विस्तृत हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज, जो डायरेक्ट आता है सीधा आता है यानी ध्रुवित, उसे क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट रेडिएशन। दिस सम ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन एंड डायरेक्ट रेडिएशन इज कॉल्ड टोटल रेडिएशन, दोनों को मिला के क्या बोले जाएगा, डिफ्यूज और डायरेक्ट को टोटल रेडिएशन, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल रेडिएशन भी बोला जाता है। ठीक है, अब से थोड़ा समझ लेते हैं कि किस किस तरीके से रेडिएशन आता है हमारी धरती पर। ये देखिए, ये हमारा सन है, ये सन क्या है, ऊपर से रेज क्या कहते हैं, क्या आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आ रही है, ये इसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो एक्सरे हैं, गामा रे हैं, अल्ट्रावायलेट हैं, विजिबल रे हैं और इंफ्रारेड हैं, काफी सारी रे इसमें आ रही है। तो ये क्या हमारी ओजोन लेयर है जो हम प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, ये हमारी क्या ओजोन लेयर सबसे ऊपर, तो ये कुछ लाइट आई, कुछ लाइट आई और ये क्या हुई, यहाँ पर आई टकरा के वापस हो गई, रिफ्लेक्ट। सम ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर बैक टू द, मतलब कुछ सन आई जो हार्मफुल किरणें थी उन्हें रोक लिया और बाद में क्या कर दिया, पीछे को रिफ्लेक्ट कर दिया, रोक लिया एक तरीके से। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन, पूरा टोटली लाइट आई और टोटली रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अब ठीक है, कुछ लाइट आई वो क्या क्या सीधा आई और धरती के इसमें द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड पर, ये रेडिएशन क्या होगा, आएगा और क्या करेगा, इसे धरती को क्या करेगा, गर्म करेगा। ठीक है, मतलब गर्म करने लग जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे अब कुछ क्या होगा, कुछ इसके सरफेस से टकराएगी, वो कुछ क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जब कुछ तो सीधे निकल जाएंगी, पर जब कुछ क्या होंगी, जब एटमोसफेयर में टकराएंगी तो ये टकरा के दोबारा धरती पर टकराएंगी। ठीक है, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे, फिर दोबारा धरती पर टकराएंगी। मोस्ट हीट एब्जॉर्ब एंड री एमिटेड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस एंड गैस मॉलिक्यूल फर्दर वार्मिंग द अर्थ। अब ये क्या होता है, जब से जैसे माना कि सूरज अब क्या कहते हैं छिप गया, दिन छिप गया, अब सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, तो अब क्या होगा, जो इसने अर्थ ने हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, अब उसे क्या करेगी, रिलीज करना चालू करेगी। जब से रिलीज करना चालू करेगी
तो उसमें क्या होगा, एनर्जी वो बाहर निकलेगी, अर्थ से बाहर क्यों निकलेगी, बाहर क्यों निकलेगी, तो यहाँ पे क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, किसके, CO2 के भी होंगे, ऑक्सीजन के भी होंगे, नाइट्रोजन के भी होंगे, तो कुछ जैसे पार्टिकल होंगे, तो ये क्या करेंगे, पार्टिकल जब एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो रही होगी तो पार्टिकल क्या करेंगे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, उसके बाद एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, वो एनर्जी क्या कहते हैं, की नहीं की यहीं रह जाएगी, नीचे की नीचे ही रह जाएगी, ऊपर नहीं जा पाएगी ऊपरी वायुमंडल में, नीचे की नीचे रहने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, नीचे की नीचे ही रह जाएगी, उससे क्या होगा, हमारा धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यही कारण है कि हमारा धरती का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देखा गया CO2 की गैस का इमिशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था, कहते हैं CO2 गैस का इमिशन कम था, तो क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, और रातें क्या होती हैं, जल्दी ठंडी हो जाती थी, पर आपने आजकल देखा होगा कहीं रातें 12 बजे जाके कहीं ठंडी हो रही है। अगर CO2 की इमिशन कम होता रहेगा तो हमारी धरती का टेम्परेचर कम धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा या कम ही बढ़ेगा, जिससे कि ग्रीन हाउस की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। जो लगभग जो यहाँ पे अर्थ के ऊपर जो रेडिएशन आ रहा होता है, कम से कम 174 पेटावाट्स होता है, ठीक है, सोलर रेडिएशन जो आता है अपर एटमोसफेयर पे, मतलब यहाँ पे, ठीक है, 1 पेटावाट कितना होता है, 10^15 वाट। अब लगा सकते हैं कितनी एनर्जी सूरज के द्वारा आ रही होती है, और हम कुल 1% भी उसका यूज नहीं कर पाते, कुल 1% भी, ठीक है। अब देखते हैं सोलर एनर्जी का आगे, ठीक है। अगर आपको इसमें से क्या कहते हैं कुछ पूछना है सोलर रेडिएशन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसमें और डिटेल में बता दूंगा काफी, ठीक है, नीचे कमेंट में क्लिक करिएगा। और सोलर एनर्जी, इंस्ट्रूमेंट फॉर सोलर रेडिएशन मेजरमेंट, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो हम सोलर रेडिएशन को मापते हैं, ठीक है, कुल 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं, बेसिकली 2 टाइप में ये और ये टाइप यूज आते हैं, 3 टाइप के, जैसे पाई पाइरोलियोमीटर, ठीक है, पाइरोनोमोमीटर और सेलोरीमीटर, ये 3 टाइप के मीटर है, ठीक है, पाइरोलियोमीटर, पाइरोनोमोमीटर, सोलोरीमीटर, ठीक है, ये मीटर है, ये क्या काम करते हैं, जो सूरज का रेडिएशन आ रहा होता है इसको क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं, मतलब माप लेते हैं, ठीक है। इसको हम किस में मापते हैं, इसको मापते हैं लैंगले में, ये लैंगले पर आवर या पर डे में इसका मेजरमेंट किया जाता है। एक लैंगले कितना होता है, 1 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि 1 किलो कैलोरी 4184 जूल के बराबर होती है। ये लैंगले क्या है, ये सैमुअल लैंगले थे, ये इन्होंने क्या किया था, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट है पाइरोलियोमीटर और पाइरोनोमीटर, इसकी खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पे इसको रख दिया गया, क्योंकि इन्होंने सोलर रेडिएशन मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को बनाया था, ठीक है। देखो सोलर थर्मल एनर्जी, सोलर थर्मल एनर्जी क्या होती है, देखो सोलर थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कलेक्टर, और सोलर एनर्जी को जो सूरज से प्रकाश आ रहा है उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोलर एनर्जी कलेक्टर का यूज किया जाता है, ठीक है। ये डिवाइस का नाम है सोलर एनर्जी कलेक्टर, इट इज अ डिवाइस विच कलेक्ट सोलर रेडिएशन, इट इज अ डिवाइस विच कलेक्ट सोलर रेडिएशन एंड ट्रांसफर हीट टू ए फ्लूइड विच इज इन कनेक्ट विद द कलेक्टर, मतलब सोलर ये क्या करती है, सोलर एनर्जी कलेक्टर क्या करता है, सोलर रेडिएशन आ रहा होता है उसे कलेक्ट करके उसे हीट में हीट के थ्रू फ्लूड में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लूड में उसे ट्रांसफर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर। और सोलर एनर्जी कलेक्टर कितने टाइप के होते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इसे नॉन कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप भी कहते हैं, और कॉन्सेंट्रेटिंग कलेक्टर यानी कि फोकस टाइप सोलर कलेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, ये 2 टाइप के ही मिलेंगे आपको बेसिकली। अब देखते हैं सबसे पहले फ्लैट प्लेट कलेक्टर क्या होता है,